जिंदगी और मौत से जूझ रहे पिता के लिए एक बेटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल 16 साल की एक लड़की ने अपने पिता को लीवर दान करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट की शरण ली है। उसके पिता का लीवर खराब हो चुका है, उनके लीवर ट्रांसप्लांट होना है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर लीवर नहीं मिला तो वो 15 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। लड़की ने अब कानून का हवाला देते हुए अपने लीवर का हिस्सा डोनेट करने के लिए कोर्ट की इजाज़त मांगी है। उसकी याचिका पर हाई कोर्ट ने संबंधित अथॉरिटी से एक दिन के अंदर जवाब मांगा है। आपको बता दें, कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई नाबालिग अपने किसी रिश्तेदार को सीधे ही अपना अंगदान कर सके। मानव अंगदान और प्रत्यारोपण अधिनियम में साफ लिखा है कि कोई करीबी रिश्तेदारी किसी को अंगदान कर सकता है। इसके लिए किसी अथॉरिटी से इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिनियम की धारा में नाबालिगों के लिए अपवाद बनाया गया है। कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के मामले में सक्षम प्राधिकारी और राज्य सरकार की पहले से इजाज़त के बाद ही अंगदान पर विचार किया जा सकता है। कानून में ये नियम तो है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी ये स्पष्ट नहीं है। इसके बाद मुंबई के शख्स की बेटी का लीवर दान करने के लिए उसकी मां की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट में लड़की के वकील तपन थाटे ने बताया कि उसके पिता लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं, बिस्तर पर हैं। मार्च में डॉक्टरों ने उनका लीवर ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी। उनके जितने भी ऐसे करीबी रिश्तेदार हैं जो अंगदान कर सकते हैं उनकी जांच की जा चुकी है, लेकिन कोई भी लीवर डोनेट करने के लिए मेडिकली फिट नहीं पाया गया। सिर्फ उनकी बेटी ही ऐसी है जिसका लीवर पिता को ट्रांसप्लांट होने लायक मिला है। बता दें, वकील ने हाई कोर्ट में याचिका पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाते हुए कहा कि डॉक्टरों के मुताबिक लड़की के पिता के पास याचिका दाखिल करने से लगभग 15 दिन का ही समय बचा है और सक्षम प्राधिकारी की इजाज़त के बिना लड़की अंगदान नहीं कर सकती क्योंकि उसकी उम्र इस वक्त 16 साल 2 महीने है। उन्होंने बताया कि सरकारी अथॉरिटी के यहाँ इजाज़त मांगने के लिए 25 अप्रैल को आवेदन किया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 30 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।